आईसीसी ने भाई यार नॉमिनी अनाउंस कर दिया दोस्तों भाई, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के कौन से प्लेयर्स भाई यार क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बने उनको भाई आईसीसी यार अवार्ड देगी दोस्तों। उसमें भाई T20 के भी प्लेयर है, ODI के भी है, टेस्ट के भी है दोस्तों। लेकिन भाई एक नाम यार बहुत शॉकिंग है यार T20 में दोस्तों, वो भाई आपको लास्ट में बताएंगे भाई। पहले यार पहले बता लेते हैं भाई आईसीसी ने कौन से प्लेयर नॉमिनी में अनाउंस किया क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के दोस्तों। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई यार क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 में भाई नंबर वन पे भाई हमारे किंग कोहली भाई विराट कोहली आते हैं दोस्तों, जिन्होंने भाई 2023 में भाई सेकंड मोस्ट रन मारा भाई टेस्ट ODI और T20 मिला के यार। उन्होंने भाई 2048 रन मारा भाई विथ एन एवरेज ऑफ 60 भाई तीनों फॉर्मेट में मिला के, ऊपर से भाई 8 शतक मारे। सबसे ज्यादा 2023 में भाई शतक यार विराट कोहली ने मारा यार। तो नंबर वन पे भाई क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो भाई विराट कोहली है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे भाई यार डेरिल मिचेल है भाई, डेरिल मिचेल जो कि भाई न्यूजीलैंड के भाई खतरनाक है। तीन नंबर पे बैट्समैन जिस तरह भाई हमारे इंडियन क्रिकेट के भाई विराट कोहली है ना, उसी तरह भाई डेरिल मिचेल है न्यूजीलैंड के लिए भाई। याद है भाई वर्ल्ड कप में भाई किस तरह भाई पहले ही मैच में भी इंडिया के सामने सेंचुरी मारा था, और दूसरे मैच में भी यार न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ था जो कि यार कंकेडे स्टेडियम में हुआ था भाई, जिसमें भाई न्यूजीलैंड वाले से भाई डेरिल मिचेल और केन विलियमसन ने भाई यार सेंचुरी जड़ा था यार। डेरिल मिचेल जब तक टिके थे लग रहा था भाई भारत 394 रन भी बचा नहीं पाएगा, वो मैच भी हार जाएगा, लेकिन भाई यार मोहम्मद शमी ने कमबैक कराया था और डेरिल मिचेल का भी विकेट ले लिया था। तो दूसरे नंबर पे भाई डेरिल मिचेल हो गए दोस्तों। तीसरे नंबर पे हमारे रविंद्र जडेजा, सर जडेजा भाई। इस साल भाई जडेजा ने भाई तीनों फॉर्मेट में मिला के भाई सबसे ज्यादा विकेट उखाड़े। जडेजा ने भाई यार 66 विकेट उखाड़े भाई टेस्ट ODI और T20 तीनों मिला के भाई, जिसमें भाई टेस्ट में उन्होंने यार 33 विकेट लिए भाई, और यार ODI में भाई उन्होंने 30 विकेट उखाड़े दोस्तों, और यार T20 में भाई यार 3 विकेट। T20 ज्यादा वो यार 2023 में नहीं खेले भाई, जितने मेन मेन प्लेयर थे भाई हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के यार वो T20 ज्यादा नहीं खेले, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे KL राहुल कायन हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे कोई भी कायन हो भाई, रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए भाई, क्योंकि यार भाई 2023 में भाई एशिया कप था और यार वर्ल्ड कप था, तो सब यार वर्ल्ड कप की भाई तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाई हमारे भारत यार वर्ल्ड कप भी हार गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और चौथे नंबर पे भाई ट्रेविस हेड भाई, टेस्ट में भाई इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भाई 163 रन मारा था, वो भी नॉट आउट यार। फिर यार वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भाई 147 रन मारा भाई, तो भाई उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर ना मिलेगा तो भाई किसको मिलेगा भाई, ट्रेविस हेड भाई। अब इंडिया के भाई नए लग रहा भाई बाप बन चुका भाई, जितना भी सेमीफाइनल फाइनल मैच हो ना भाई, ट्रेविस हेड का अगर विकेट मिल गया तो भाई सामा था इंडिया के, अगर विकेट ना मिला तो भाई इंडिया गया भाई खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा इंडिया का यार। ट्रेविस हेड भाई बहुत बड़े नाम बन चुके हैं भाई, ऊपर से इंडियन बॉलर के लिए भाई खलनायक बन चुके हैं, क्या बंदा प्लेयर है। उनको यार क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला तो भाई बहुत मुझको भी खुशी हुई भाई एक तरफ से, क्योंकि भाई क्रिकेट फैन के लिए भाई, ये नहीं कि भाई इंडिया के फैन है तो भाई उनसे यार ना खुश होंगे भाई, उन्होंने परफॉर्म करके बताया है भाई यार, कोई विकेट उनका नहीं उखाड़ पा रहा था भाई। डेविड वॉर्नर वर्ल्ड कप में आउट हो गए, स्टीव स्मिथ आउट हो गए भाई, लेकिन भाई ट्रेविस हेड का भाई विकेट कोई नहीं गिरा पाया भाई। लास्ट में यार विकेट गिरा, जब यार पूरा मैच 10-12 रन बचे हुए थे तब यार विकेट गिरा भाई ट्रेविस हेड का। और पांचवें नंबर पे भाई पैट कमिंस यार, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज जीताना विनिंग कैप्टन भाई, और पाकिस्तान को भाई 3-0 से भाई व्हाइट वॉश करना भाई अपने होम ग्राउंड में यार, इससे बड़ी खुशी क्या हुआ है। और ऊपर से पैट कमिंस को भाई IPL में भाई सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की तरह खरीदा गया भाई, SRH ने 20.75 करोड़ दे के भाई पैट कमिंस को खरीदा यार ये। और पैट कमिंस का साल 2023 भाई एकदम लकी साल रहा है भाई यार, उनकी तरह लक भाई हर प्लेयर को दे भाई, चाहे रोहित हो चाहे विराट हो भाई, क्योंकि भाई यार पैट कमिंस यार जितना बॉलिंग से भाई खतरनाक टेस्ट मैच में दिखाए ना भाई, उसी तरह भाई वो अपनी कैप्टेंसी से दिखाए भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहे वर्ल्ड कप जीतना हो यार, अगर वो पैट कमिंस भाई भारत में होता ना तो भाई भारत यार उनको यार आसमान से भाई उतरने ना देता भाई, जितना यार भारत यार उनको प्रेम करता भाई यार, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप जीतना भाई हमारे भारत का भाई सपना रहा है भाई 2011 के बाद। 2015 हार गया भाई ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल, 2019 यार न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल आ गया, 2023 भाई अपने होम ग्राउंड में फाइनल हार गए भाई। पैट कमिंस ने तो चोट बहुत दी है भाई इंडियन फैंस को, लेकिन भाई यार अगर एक क्रिकेट के फैंस की तरह देखा जाए तो भाई यार पैट कमिंस भाई अपने लिए भाई बहुत सही है भाई, अपने क्रिकेट टीम के लिए भाई सही है यार। अब टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 की बात कर ले तो भाई नंबर वन पे भाई अश्विन है, अश्विन द ऑल टाइम लेजेंड भाई, वन नंबर वन ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड टेस्ट में भाई, चाहे T20 की बात कर लो चाहे वनडे में बात कर लो यार, उनको मौका सही से मिला ना तो वो हर चीज़ में परफॉर्म करके बताएंगे यार। T20 में वो भी कुछ समय में ऑलराउंडर थे और यार विकेट भी उखाड़ते थे, लेकिन भाई T20 में उतना उनको मौका नहीं मिला। ODI में भाई MS धोनी बहुत मौका देते हैं रविचंद्र अश्विन को, उसकी वजह से वो एक बार ODI में यार नंबर वन बॉलर भी बने थे भाई ICC के द्वारा यार, लेकिन भाई आज टेस्ट
टेस्ट की बात हो रही तो टेस्ट में यार 2023 में भाई नंबर वन पे भाई अश्विन यार क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने भाई। टेस्ट क्रिकेट में भाई सबसे ज्यादा यार 2023 में भाई यार रविचंद्र अश्विन ने विकेट उखाड़ा है भाई, 37 विकेट है यार। ऊपर से भाई 3 पंजा उन्होंने खोले थे यार, उनको तो मिलना ही चाहिए भाई यार। ऊपर से भाई टेस्ट के भाई नंबर वन ऑलराउंडर भाई पूरे साल भर रहे हैं यार, समझ लीजिए भाई। और दूसरे नंबर पे बात करें तो भाई फिर ट्रेविस हेड यार टेस्ट क्रिकेट में भाई यार सेकंड मोस्ट रन मारने वाले बल्लेबाज ट्रेविस हेड है भाई। पहले उस्मान ख्वाजा है तो दूसरे पे भाई ट्रेविस हेड है यार। 2023 में भाई सबसे ज्यादा रन यार बात करेंगे तो ट्रेविस हेड ने 991 रन भाई टेस्ट क्रिकेट में मारा और 1231 रन उस्मान ख्वाजा ने मारा भाई। दोनों यार ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं भाई। और मार्नस ने भी मारा भाई लेकिन उनसे कम मारा भाई, मार्नस लुईस चेंज ने यार। लेकिन भाई प्लेयर ऑफ द मैच यार ट्रेविस हेड को, चाहे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भाई ट्रेविस हेड को क्यों दिया जा रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में परफॉर्म किया उस लिए दिया जा रहा है भाई। और तीसरे नंबर पे भाई टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो भाई जो रूट यार इंग्लैंड के भाई पूर्व कप्तान है यार, जिन्होंने भाई इस 2023 में भाई टेस्ट क्रिकेट में भाई सबसे ज्यादा शतक मारा हुआ यार, तो उनको मिलना ही चाहिए भाई। चौथे नंबर पे बात करें तो भाई उस्मान ख्वाजा यार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के भाई टेस्ट क्रिकेट के भाई ओपनर यार, जिन्होंने भाई ओपनिंग में भाई 1212 रन यार 2023 में मारा हो, तो इसीलिए भाई उनको भाई टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 मिला यार। तो टेस्ट क्रिकेट की बात हो गई तो दोस्तों ओडीआई पे आते हैं, तो भाई ओडीआई पे यार हमारे शुभम गिल यार, जिन्होंने भाई राज किया भाई ओडीआई क्रिकेट में भाई 2023 में भाई सबसे ज्यादा रन यार ओडीआई में बात करेंगे तो भाई शुभम गिल ने 2023 में मारा है भाई। शुरू से लेके जनवरी से लेके चाहे यार दिसंबर तक का है ना यार, वही वर्ल्ड कप में भाई डेंगू हो गया तो उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाने, तो यार हर मैच में भाई वो लगभग रन मार ही रहे थे, हाफ सेंचुरी सेंचुरी मार ही रहे थे भाई। वर्ल्ड कप में यार सेंचुरी नहीं आया जिससे उम्मीद थी कि वो सेंचुरी मारेंगे, लेकिन भाई हाईएस्ट स्कोर उनका 92 रहा भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरे नंबर पे बात करें तो विराट कोहली भाई यार ओडीआई क्रिकेट में भाई जलवा बिखेर, चाहे एशिया कप में हो चाहे वर्ल्ड कप में हो यार, सबसे ज्यादा रन मार रहा हो भाई यार विराट कोहली भाई, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट यार। तीसरे नंबर पे यार मोहम्मद शमी यार, जिस तरह भाई वर्ल्ड कप में भाई बॉलिंग की है भाई, खतरनाक बॉलिंग की है यार, 27 विकेट उखाड़ा ऊपर से भाई 7-8 मैच में यार। मोहम्मद शमी भाई 4 मैच नहीं खेले थे भाई शुरू का यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ आए मोहम्मद शमी यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ पंजा खोला, फिर यार इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए, फिर यार पंजा खोला, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ पंजा खोला भाई। उनको भी यार आईसीसी ने भाई ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 2023 के लिए भाई डिसाइड किया दोस्तों। और चौथे नंबर पे भाई डेरिल मिचेल है यार, 2023 में भाई विराट कोहली शुभम गिल के बाद यार सबसे ज्यादा रन है डेरिल मिचेल ने मारा भाई, 4 शतक मारा, लेकिन भाई ये हाफ सेंचुरी उन्होंने भाई 9-10 मारा है दोस्तों। अब चलिए भाई T20 क्रिकेटर ऑफ 2023 की बात कर ले तो भाई नंबर वन पे भाई सूर्य कुमार यादव, जो कि भाई पूरे साल भर यार नंबर वन T20 रैंकिंग बैट्समैन बने हैं भाई सूर्य कुमार यादव यार, सबसे ज्यादा रन भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में बात कर लीजिएगा ना T20 में, तो भाई यार सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा रन मारे भाई 2023 में, तो उनको भाई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला दोस्तों। और दूसरे नंबर पे भाई यार सिकंदर राजा है भाई, सिकंदर राजा ने भाई जिम्बाब्वे के लिए भाई बहुत मस्त परफॉर्मेंस किया भाई T20 के लिए भाई, सेकेंड मोस्ट यार ऑलराउंडर बने हैं भाई सिकंदर राजा यार T20 में भाई सेंचुरी मारना, फिर जिम्बाब्वे को भाई लीड करना हो भाई, अपने कैप्टेंसी यार जिताना हो दोस्तों। और तीसरे नंबर की बात करें तो भाई मार्क चैपन यार न्यूजीलैंड के भाई खतरनाक ऑलराउंडर भाई, जो कि 5 नंबर पे आता है भाई, 5 नंबर पे भाई बॉलिंग भी ले जाते हैं और बैटिंग भी ले जाते हैं भाई, बैटिंग में भी करामात दिखाते हैं तो बॉलिंग में भी दिखाते हैं दोस्तों। और चौथे नंबर की बात कही जाएगी तो अल्पेश रमजानी भाई, ये बहुत शॉकिंग नाम है भाई, किसी ने भाई ये नाम नहीं सुना भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन यार T20 में भाई वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने हैं भाई 2023 में, वो युगांडा से खेलते हैं भाई, ऐसा नाम तो भाई मुंबई का है दोस्तों, वो बंदा है मुंबई का है भाई, एफसी क्रिकेटर मुंबई से खेला, लेकिन मुंबई में भाई उतना मौका नहीं मिला था यार, वो युगांडा में 2022 में चले गए भाई, 2022 में यार उन्होंने डेब्यू किया, 2023 में भाई यार पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई तहलका मचा दिया दोस्तों, राशिद खान को भाई पीछे छोड़ दिया यार, 30 मैच में भाई उन्होंने भाई 55 विकेट 2023 में लिए दोस्तों। तो ये भाई यार उनके लिए भाई बहुत खास बात है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई यार नंबर वन रैंकिंग बॉलर भाई T20 के लिए बन जाना है यार, खून तो कम से कम भारतीय का ना भाई, चाहे युगांडा में चाहे जिम्बाब्वे में हो चाहे जहां भी हो, खून तो कम से कम भारतीय का भाई, T20 में भाई नंबर वन बॉलर भारतीय ना है, नंबर वन बैट्समैन भाई भारतीय, नंबर वन ऑलराउंडर साकिब अल हसन है, तो भाई जलवा तो भाई भारतीय क्रिकेट टीम ही का है यार। खैर दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएगा कि भाई आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भाई आपको कैसा लगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।